ब्रेक के बाद रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खास खबरों की तरफ। फरीदाबाद में एक दोस्त ने दोस्त से लिए ब्याज के 3 लाख ना चुका पाने और समय पर ब्याज के पैसे ना दे पाने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने इसके लिए अपने एक और दोस्त को 50,000 रुपए की सुपारी दी और खुद भी हत्या में शामिल हो गया और मृतक दोस्त को घर से बुलाकर पहले शराब पिलाई और फिर रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे यूपी के गौतम बुद्ध नगर इलाके में एक नाले में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सुपारी किलर सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या करने की साजिश रची थी। क्या नाम है तुम्हारा? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र और चंद्रपाल। चंद्रपाल, चंद्रपाल, एक हत्या करी है तुमने, क्या है पूरा मामला, क्यों करी थी? ये मजबूरी में फंसा गया था मुझे मोबिन खान में। पूरी कहानी बताओ। मोबिन खान मेरे पास 2 महीने से 1.5-2 महीने से चक्कर काट रहा था कि मैंने उसे 3 लाख रुपए ले रखे हैं। उसको 3 लाख रुपए देने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। 18,000 रुपये हर महीने ब्याज भरता हूँ उसका मैं। तो मेरे पर 1.5-2 महीने से आ रहा था, कह रहा था कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूँगा तुझे और तू उसको मेरे साथ चल के उसका कत्ल करवा दे। अच्छा, मैंने उसको मना किया। अब 1 महीने से तो मना ही कर रहा था। एक दिन 21 अगस्त की बात है, उस दिन मेरे घर पर आ गया ज़बरदस्ती। आधे पौन घंटे तक मेरे पास चलता रहा, कहता रहा मेरे से चल मेरे साथ। आधे पौन घंटे तक मैंने उसको खूब मना किया, नहीं माना, फिर मेरे को जबरदस्ती करके ले गया अपने साथ। तुम्हारे पास ही क्यों आया? तुमने कहीं पहले भी कत्ल किया क्या? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे पास कैसे? ऐसे यार दोस्ती थी, बैठना उठना था हमारा। तुम्हारी दोस्ती ऐसी? तुम क्या करते हो? डाकखाने में जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब है? तुमने ये प्लान कहाँ से आया, उसको लेके गए, एस्टोर से बात की, जी नंबर से फ़ोन किया? मुझे नहीं बता करा था, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं तो अपना फ़ोन भी लेके गया था साथ में। जी, कोई सीरियल देखा था तुमने, क्राइम पेट्रोल का प्लान बनाया था? नहीं। फिर इतना बड़ा प्लान कैसे आ गया तुम्हारे? मोबाइल छोड़ के चले गए? ये मूवी इनकी वो थी, सारी मूवी ने प्रोग्राम बना रखा था, इनका प्लान था। पछतावा है तुम्हें? एक बुजुर्ग की हत्या कर, बहुत ज़्यादा पछतावा। केवल 50,000 के लिए तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया, सरकारी नौकरी है तुम्हारी, पछतावा है? बहुत पछतावा। क्या नाम? मुबीन खान। तो फिर क्या हुआ, तुमने यार एक हत्या कर दी, करवा दी, शामिल थे तुम? क्या है पूरा मामला, कौन था वो युवक, क्यों मारा तुमने, किस लिए? वो 1.5 साल से मेरे संग रहता था, हमने संग काम करा था, उससे हमारा अच्छा प्यार विभाग था। हमने उससे 2 लाख पहले लिए थे, 1 लाख सद्दाम की बहन की शादी में लिए थे हमने। हम उसे 1.5 साल से 18,000 भर महीना ब्याज टाइम पे देते थे। अब के हम पे पैसा नहीं बनना था, गरीबी ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए हमने उसे मारने का प्लान बनाया था। तो इसने बोला मैं 1 लाख रुपए लूँगा, मैं एक ना मैं 50,000 दूँगा, इनकी मैं मार दूँगा। तो इसने 10,000 मेरे से पहले ले लिए, 40,000 का चेक ले लिया, तो इसने उसे मार दिया। अगर ये कहता तो नहीं मत मारो तो हम उसे नहीं मारते। हमें तो मारने के बाद बहुत ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपने बाप मार दिया हो। हमें बहुत पछतावा हुआ, मैं रात भर नींद नहीं आई। हमें इस चीज़ का बहुत वो है, केवल कर्जा था, कर्जा ना दे पाने के चक्कर में तूने उसके साथ करा था। हाँ बाबू जी, शामिल थे तुम साथ में? रस्सी इसने गर्दन में मारी थी, संग में मैं खड़ा था। क्या पिलाया शराब में? क्या पिलाया? सलाम में इसने गोली दी थी जी, वो दारू छुड़ाने वाली। तुमने दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया? हाँ जी। अपना फ़ोन तुम घर छोड़ गए? संडे था, पूरा प्लान था, संडे था। हाँ जी। चलिए, ये प्लान आपको आया कहाँ से दिमाग में? ये तो जी सर, फोन जो टू आ जाते हैं ना टावर, इसलिए फ़ोन घर रख के गए थे हम। कोई सीरियल देखते थे तुम? नहीं, पेट्रोल नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं देखा। ये तुम्हें किसी ने बताई थी? हमें किसी ने बताई? सद्दाम ने बताई, बस। सद्दाम ने बताया? हाँ जी। सद्दाम को पता था? हाँ पता था। हमने सीरियल देख के बताया? हाँ जी। सद्दाम ने क्या बताया था? कि फ़ोन ले जाए टावर। एक बार हमने सद्दाम ने पहले एक बार कोशिश करी, हमें दिल में दया आ गई। हमने 3 महीने पहले फिर हमने कहा हम नहीं मारेंगे, 2-3 लाख रुपये होते ही क्या है। तो ये इसे पता लग गई उसी टाइम, इनने कि मुझे दे दे मैं अपना मार दूंगा। बस ये ना कहता तो हम उसे ना मारते आज। आज हमें बहुत पछतावा हो रहा, हमने एक बड़ा बूढ़ा मार दिया 2 लाख के पीछे। हमें विश्वासघात नहीं किया उसके साथ? बहुत बड़ा बकवास वो करा था जी। विश्वासघात? हाँ, पछतावा है बहुत ज़्यादा जी। अब ये कोई दयाराम है, दयाराम और खिल्लू जी, सुनपेट गांव से, कंस्ट्रक्शन का काम था इसका, और मुबीन भी इनका साथी रहा है इस काम में। इन्होंने 3 लाख रुपए का लेन देन था, जिसमें 2 लाख रुपए मुबीन ने लिए थे और 1 लाख रुपए सद्दाम ने। करीब 1.5 साल पहले इन्होंने ऐसा सामना है, 1.5 साल पहले इन्होंने ये पैसा लिया था इंटरेस्ट पर,
और अब इनके दिमाग पर 2 महीने से प्लान बनी कि ये इसको एक तरफ कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते, पैसा नहीं देना पड़ेगा दयाराम को। और इसी प्लान के तहत ये करते करते 2 महीने तक इनकी योजना बन ली थी और इन्होंने 2160 को दयाराम को प्राइवेट किसी आम अननोन आदमी से फ़ोन करके और कली बाईपास ठेका अंग्रेज स्टाफ पर बुलाया और वहाँ से बैठ के शराब ली और तीनों ने शराब पी और साथ साथ प्लान के अनुसार यूपी की तरफ चले गए और इसका फ़ोन ऑन कर लिया। मुबीन अपना फ़ोन घर छोड़ गया और जो मृतक है इसका फ़ोन ऑन कर लिया और योजना के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर से फ़ोन मिला लिया अहमदाबाद में। क्या योजना योजना ये थी भी इसको इसके फ़ोन को ऑन करेंगे हम तो इसका फ़ोन गांव की तरफ दिशा चली जाएगी, पुलिस उधर ढूंढेगी यूपी की तरफ इसे गांव की तरफ और हमारा एरिया है गोच्ची की तरफ तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी गोच्ची गाँव के हैं तीनों। हाँ तीनों। सद्दाम और मुबीन ने प्लान बनाई और चंद्रपाल को हायर किया 50,000 रुपए में, जिसको 10,000 रुपए एडवांस दे दिए मर्डर के लिए और 40,000 चेक दे दिया और इसके बाद ये वहाँ उसको ये मुबीन और ये जो सद्दाम बता रहे हैं टीवी पर जो है ना सावधान इंडिया लाइव ओके और इस तरह के मैंने आते हैं क्राइम पेट्रोल। हाँ क्राइम पेट्रोल ये देखते रहते हैं जी। तो इस तरह की बहुत सी कहानी इन्होंने देखी तो उसी को देख के और इसको देख के इन्होंने प्लान बना ले। अच्छा फिर क्या हुआ? इसके बाद ये उन्होंने से शराब पिलाई, शराब में कुछ इन्होंने एंटी जो टेबलेट्स हैं एंटी अल्कोहल छुटाने की वो भी दे दी, आगे वो बेहोश हो गया और गौतम बुद्ध इलाके में जाके इसको रस्सी से गला घोट के मर्डर कर दिया और नाले में डाल दिया रजवाए में पानी में बॉडी में। कलू मेन ये था, एक तो मोबाइल पब्लिक से किया और एक इन्होंने मेन बात करी जो एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन मिला योजना के तहत उसमें चंद्रपाल बात कर रहा है पहले, उसके बाद चंद्रपाल ने फ़ोन को रख दिया ऑन, उधर से भी फ़ोन ऑन था अहमदाबाद से भी और इनकी रिकॉर्डिंग चलती रही। जब अहमदाबाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान ये चीज़ हासिल की रिकॉर्डिंग और उसको इसे परिवार के लोगों को सुनाया तो ये बात सामने भी है, आवाज़ मुबीन की है और मृतक दयाराम की भी है रिकॉर्डिंग। मुबीन को पहचान लिया और मृतक की आवाज़ ही पहचान ली जी। इस गाड़ी में जो 3 आदमी बोल रहे हैं इनमें 2 आदमी दयाराम भी है और मुबीन भी है, तीसरे को नहीं जानते वो जी। और इसके आधार पर ये जो पब्लिक का फ़ोन था उसका हुलिया और इन्होंने बताया वो और इसका नाम, इसकी पहचान उन्होंने पर इनको पकड़ के पूछताछ की गई, ये खाने खुलासा हो गया। पैसा सद्दाम ने और मुबीन ने लिया था 50,000 मारने के लिए हायर किया था। सुपारी उस समय घटना के समय कौन कौन थे? घटना के समय अपना मुबीन और चंद्रपाल। अभी कितनी धारा का क्या कारण है? पहले मुकदमा था 365-506 उसकी तरफ 506 के लिए, अब जो नई जो धाराएं हैं वो 364 302 201 34 120 भी IPC रिमांड लेंगे आज तफ्तीश अभी पेंडिंग है रिमांड पे लिया जाएगा।